आगे बढ़े मुजफ्फरगढ़ से खबर शामिल करेंगे जहां पर डीएसपी पेट्रोलिंग अजमत कामरान ने तिल्लू कोट हाई स्कूल का दौरा किया है। तलबा को हेलमेट के इस्तेमाल के अहमियत और धुंध में सफर के हवाले से एहतियाती तरकीब भी दी है। मजीद तफसीला जानते हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब आगा कीजिएगा। जी मेरी मुजफ्फरगढ़ में तलकोट हाई स्कूल के अंदर डीएसपी पेट्रोलिंग जो है अजमत कामरान, उन्होंने यहाँ का दौरा किया है और खासतौर पे जो आने वाला मौसम है जिसमें स्मोग और फोग दोनों हो सकती हैं उसके हवाले से जो है उन्होंने तलबा को एहतियाती तरकीब बताई है सड़क के ऊपर रोड इस्तेमाल करने के हवाले से और खासतौर पे एक हेलमेट के हवाले से जो कंपेन चलाई जा रही है हुकूमत पंजाब की जानिब से हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक, उसके हवाले से भी उन्होंने तलबा को हेलमेट के जो फायद हैं उसके हवाले से भी उन्होंने छोटा सा लेक्चर दिया। उनका कहना था कि हम अगर धुंध के अंदर स्मोग के अंदर मुनासिब फासला अख्तियार करें तो हम जो है किसी भी हादसे से बच सकते हैं। खासतौर पर फोग जब होती है तो हादसा की शराब बढ़ जाती है, लेकिन इन हादसा को जो है छोटी छोटी एहतियाती तरकीब है उनको अपनाकर उससे बचा जा सकता है। इसके साथ ही उनका कहना था कि हेलमेट का जो इस्तेमाल है वो इंसान को बुरी इंजरीज जो है उससे बचाता है और खासतौर पर जब इस वक्त हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ग्रीन एंड क्लीन मुजफ्फरगढ़ कंपेन जो है स्टार्ट है उसके हवाले से उन्होंने वहां पर पौधा भी लगाया और दुआ भी किया। उनका कहना था कि तलबा जो है अपने वालदैन को और उन दूसरे साथियों को जो है ट्रैफिक के हवाले से जो है आगाही पैदा करते रहे ताकि जो हादसा की शराब में इजाफा हो रहा है वो कम हो सके। जी ट्रैफिक के हवाले से आगाही फ्राहम करते रहे, बहुत शुक्रिया तैयब सैफ हमें अपडेट करने के लिए।